हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने किसी विद्युत चतुर्धु चतुर्द्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था आज हम इस वीडियो में उसी विद्युत चतुर्ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे ठीक है तो ये हमारे पास में एक विद्युत चतुर्ध्रुव है ए बी जो चार ध्रुव से मिलकर बना हुआ है एक प्लस क्यू है ना ये प्लस क्यू और यहाँ पर दोनों के दोनों विद्युत द्विध्रुव के कौन से आवेश मिलेंगे माइनस क्यू माइनस क्यू आवेश मिलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस टू क्यू ठीक है अब इनके बीच की दूरी दूरी कितनी है बहुत ही अल्प दूरी है कितनी दूरी है टू एल दूरी है ठीक है अब इसके मध्य बिंदु ये हमारे पास विद्युत चतुर्ध्रुव हो गया अब इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर आर दूरी पर ये बिंदु कौन सा है पी स्थित है और इस पी बिंदु पर हमको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सॉरी विद्युत विभव का ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा किसके कारण पहले प्लस क्यू के कारण फिर माइनस टू के कारण माइनस टू क्यू के कारण और फिर इस प्लस क्यू के कारण बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा है ना तो सबसे पहले हम को निकालना है किसके कारण प्लस क्यू के कारण मतलब बिंदु बी पर बिंदु बी पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ठीक है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना पड़ेगा तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R माइनस कितना L यहाँ से आ तक की ठीक है तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये V1 वन इक्वल टू वन अपॉइंट में फोर पे नॉट क्यू अपॉइंट में कितना BP और BP की वैल्यू कितनी है R माइनस एल इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे समीकरण नंबर लिखेंगे इसको कितना एक ठीक है उसी प्रकार से चतुर्ध्रुव के बिंदु ऊपर स्थित माइनस टू की टू क्यू के कारण निकालेंगे तो माइनस टू क्यू के कारण कितने हो जाएगी कितनी आएगी यहाँ से आ तक के तो हो जाएगा वनापाउन में फोर फाइव सेवन नॉट माइनस टू क्यू अपाउंट में कितना कितनी दूरी है यहाँ से आ तक के आर दूरी है ठीक है तो ये हो जाएगा कितना वनापाउन में फोर फाइव एफ्सलन नॉट माइनस टू क्यू अपाउंट में कितना आर क्योंकि ओ पी की दूरी कितनी है आर दूरी ठीक है थेके? अब विद्युत चतुर्ध्रुव के बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा किसके कारण निकालेंगे इस प्लस के कारण निकालेंगे तो ए पी दूरी होगी है ना तो ये ए पी दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी ये दूरी आर और ये दूरी एल तो आर प्लस कितना हो जाएगा एल तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस क्यू अपॉन में आर प्लस कितना एल ठीक है ये आ गए समझ में है ना तो हमने क्या निकाल लिया अभी तक के अभी तक के हमने निकाला है क्या पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाला फिर माइनस टू क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकाला और फिर ए बिंदु पर जो प्लस क्यू था उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाला अब पूरा विद्युत चतुर्द्रह के कारण बिंदु पी पर विभव कितना हो जाएगा बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा विद्युत चतुर्द्रुव के कारण बिंदु पी पर विभव तीनों का क्या हो जाएगा योग आ जाएगा तो बी वन इक्वल टू कितना वी वन प्लस v3 थ्री प्लस कितना v2 ठीक है तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे वन अपॉन में फोर पाए एफ्सलन नॉट क्यू अपॉन में कितना r माइनस एल ठीक है q अपॉन में कितना हो गया r माइनस एल और इसके बाद में v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी q अपॉन में r प्लस एल ये लिख दिया अपन ने और v2 की वैल्यू क्या है माइनस टू क्यू के कारण कितना है वन अपॉन में फोर पाए एफ्सलन नॉट माइनस टू क्यू अपाउन में कितना आर क्लियर है ना अब यहाँ से कॉमन क्या, क्या क्या चीज़ निकालेंगे यहाँ से कॉमन निकलेगा कितना कॉमन निकलेगा ये क्यू ये क्यू और ये क्यू अपाउंड में कितना वन अपाउंट में फोर पाएस वन नॉट वन अपाउंड में फोर पा एफ्सोन नॉट वन अपाउंड में फोर पा एफ्स नॉट तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितने क्यू अपाउंड में फोर पा एफ्स नॉट वन अपाउंड में आर माइनस एल पहले पद में ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा वन अपाउंड में आर प्लस एल और यहाँ पर आ जाएगा कितना ये माइनस चिन्ह सामने आ जाएगा ये पूरा माइनस चिन्ह है कौन सा चिन्ह ये माइनस चिन्ह टू अपॉन में कितना आर क्योंकि क्यू अपॉन में फोर पाइप वन नॉट क्या निकाला है कॉमन निकाला है ठीक है तो अब ये इतनी भी आ गई अब ये जो हर में जो लिखा हुआ है क्या आर माइनस एल आर प्लस एल और ये आर तो तो इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आर इंटू आर माइनस एल इंटू कितना आर प्लस एल तो ये आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ठीक है कितना हो जाएगा मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी का कितना होता है ए का स्क्वायर माइनस कितना बी का स्क्वायर तो ये लिखेंगे अपन आर स्क्वायेर माइनस एल स्क्र और इस ये, ये वाला आर जो है उसको लिखना पड़ेगा कितना आर तो आर इंटू कितना आर स्क्वायेर माइनस एल स्क्र कॉमन निकल कर आ गया ठीक है उसके पश्चात इसके पश्चात क्या है अब ये आर माइनस एल यहाँ पर है तो ये आर इंटू आर प्लस एल का गुना होगा तिरक गुना यहाँ पर करेंगे तो पहले पद में क्या आ जाएगा आर इंटू आर प्लस एल अब यहाँ बीच वाले पद में आर प्लस एल है तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर माइनस एल ये हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर माइनस चिन्ह ये लिखा है अपन ने इंटू टू तो ही अब ये आर नहीं आएगा यहाँ पर अब यहाँ आएगा क्या आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और आर इंटू आर माइनस एल इंटू आर प्लस आर प्लस एल को क्या लिखा है अपन ने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ठीक है तो ये भी समझ गए आ गया होगा आपको अब अब इनका क्या करना पड़ेगा गुना करो ब्रैकेट तोड़ो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर प्लस कितना हो जाएगा आर एस माइनस कितना आर एल ठीक है देखो आर स्क्वायर प्लस कितना है पहले इसमें आर स्क्वायर प्लस आर एल क्योंकि वो कितना है आर प्लस एल है ये कितना है आर प्लस एल है तो आर प्लस एल में गुना करेंगे किसका आर का तो कितना कितना हो जाएगा आर स्क्वायर पहले पद के साथ में करेंगे आर के साथ में तो आर स्क्वायेयर प्लस एल के साथ में करेंगे तो आर इन एल ठीक है उसके पश्चात दूसरे इसमें करेंगे यहाँ से यहाँ तक के तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना आर एल ठीक है तो ये पहले इसमें है आर स्क्वायर प्लस आर एल दूसरे इसमें है आर एस माइनस आर एल अब तीसरा इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू आर स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एल एस स्क्वायर ठीक है क्लियर अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ये देखो प्लस आर एल से माइनस आर एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये लिखा है अपन ने ठीक है और ये पद पूरा जैसे का वैसे नीचे आ ही गई ठीक है अब इतना हो गया अब ये आर एस स्क्वायर और ये आर एस स्क्वायर कितना हो जाएगा टू आर एस स्क्वायेयर कितना हो जाएगा यहाँ माइनस नहीं लिखना है क्या लिखना तो है केवल टू आर एस स्क्वायर ठीक है प्लस सॉरी ये टू आर एस स्क्वायर है और ये वाला जो है वो क्या है माइनस टू आर एस स्क्वायर ठीक है ये आर एस स्क्वायर और ये आर एस स्क्वायर कितना हो जाएगा टू आर ए उसके साथ में माइनस टू आर स्क्वायेयर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस टू आर स्क्वायर और ये प्लस टू आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या? क्या वाली है? Two L square बचेगा क्या केवल ये टू एल स्क्र बचेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बचा है केवल ये केवल क्या बचा है टू एल स्क्र बचा है और नीचे क्या है आर ब्रैकेट में क्या है आर ए माइनस कितना एल एस ठीक है ये माइनस है माइनस कितना है एल एस तो इतनी वैल्यू आ गई अब क्या करेंगे ये Q इन टू एल ये लिखा है अपन ने है ना मतलब ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में अब यहाँ पर क्या करेंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे क्योंकि एल को नगण्य मानना है तो आर एस्वायर माइनस एल एक्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वेयर तो यहाँ पर कितना बचेगा आर स्क्वेयर ही बचेगा तो आर स्क्वायेयर का इस आर के साथ में गुना होगा तो कितना हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा है ना तो वी इक्वल टू कितना है वन एफ में फोर फाइव नॉट टू q इन कितना है एल एस अपॉन में कितना है r की पावर क्यूब ठीक है तो ये क्या है समीकरण b जो है वो विद्युत चतुर्द्र के कारण अक्ष स्थिति में बिंदु किसी बिंदु p पर विद्युत विभव का क्या है व्यंजक प्रदर्शित करता है अब हमको इस विभव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम क्या कर सकते हैं उसकी गणना कर सकते हैं तो तीव्रता की यदि गणना करना है तो हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है विभव प्रवणता के बराबर होती है ठीक है तो इक्वल e टू कितना होता है माइनस डी वी अपाउंट में डी आर तो जो हमने वी जो लिखा है उसका हमको अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष दूरी के सापेक्ष ठीक है तो माइनस डी वी डी अपाउंट में कितना डी आर वी का मान रखो कितना है वन अपॉन में फोर पाई एक्स वन नॉट टू क्यू इंटू एल एस क्यूअल में आर क्यूब समीकरण किससे रखा है ये बी से रखा है हमने ठीक है अब यहाँ से केवल आर के सापेक्ष करना है अपने को अवकलन तो आर वाले पदों को छोड़कर बाकी सब सब पद क्या हो जाएगा बाहर निकलेगी तो माइनस कितना है वन अपॉन में फोर पा एप्स नॉट बाहर निकला टू क्यू इन टू एल एस स्क्वायर जो ऊपर वाला पद है वो क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा तो डी अपॉन में डी आर केवल किसका होगा वन अपॉन में आर क्यूब का होगा ठीक है अब यहाँ पर अवकलन किस प्रकार से होगा डी अपॉन में डी आर आर कितना जाएगा? हो जाएगा माइनस क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा क्योंकि वन अपॉन में आर क्यूब जो है वो ऊपर जाएगा तो माइनस आर क्यूब हो जाएगा और इसका जब अवकलन होगा तो ये माइनस जो है सामने आ जाएगा माइनस तीन सामने आ गया मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस तीन जो है वो सामने आ जाएगा और आर की पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस कितना हो जाएगा वन तो माइनस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस थ्री आर की पावर कितना हो जाएगा माइनस फोर और ये आर की पावर माइनस फोर जो है वो नीचे आकर कितना हो जाएगा वन अपॉन में कितना आर की पावर फोर और ये माइनस थ्री जो है वो सामने लिखा हुआ है हमने ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना ये लिखो आपने क्या लिखा है माइनस थ्री अपाउंट में कितना है आर की पावर फोर ठीक है क्लियर तो ये माइनस थ्री ये माइनस से ये वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और तीन दून कितना हो जाएगा छः तो सिक्स क्यू एल स्क्वायर अपॉन में कितना आर की पावर फोर ये वैल्यू अपने पास निकल कर आ गई और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यही वैल्यू हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ज्ञात कर ली थी प्राप्त कर ली थी तो ये हमारा जो विभव है वो वैल्यू कैसा है सत्य है और इस विभव से हम क्या निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हैं किसके लिए विद्युत चतुर्थ्रुव के लिए ठीक है क्लियर थैंक यू